ऋचा भारद्वाज ने बताया कि 22 अप्रैल को पीड़ित जिला कलेक्टर से मिलने आए, लेकिन जिला कलेक्टर नहीं मिले। पीड़ित विकलांग होने के कारण वह जिला कलेक्टर कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण पीड़ित ऊपर तक आने में असमर्थ रहा। पीड़ित महिला की तरफ से उनकी बेटी ऋचा भारद्वाज मौन धरने पर बैठी। नवम्बर में सरकारी आवास के लिए पत्र दे रखा था, उसको लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुराने कलेक्टर ने अपने जान पहचान वालों को आवास आवंटित कर दिए, जिस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मिलने आए, लेकिन 7 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला कलेक्टर नहीं मिल पाए। इसलिए बैठे क्योंकि 22 तारीख को हमारे द्वारा कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए थे, तो उनसे ऊपर तक आए नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से तो उन्हें लेके आए ऊपर, है ना। पर है ना, उन्हें 8 घंटे बैठाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई, तो उनके है ना दर्द को देखते हुए उनके है ना आंसू आने लग गए। तो इसको देखते हुए कलेक्टर साहब से पहली मांग तो ये है कि है ना उनको जन सुनवाई नीचे चालू करनी चाहिए, जहाँ पे पहले हुआ करती थी निशक्त जनों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए, क्योंकि उनसे इतना ऊपर 3 मंजिल पे आया नहीं जाता, हमारी सांस हाँफने लग जाती है 3 मंजिल तक पहुँचते पहुँचते। और दूसरी, नवंबर माह से मेरे द्वारा सरकारी आवास आवंटित करने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी थी, जिसकी कोई प्रायिकता न देते हुए या तो है ना वो जैसे पुराने कलेक्टर साहब रिश्वतखोरी में पकड़े गए, या तो उन्होंने रिश्वत लेके या फिर जैसे भी हो किसी के बैंक से काफ़ी लोगों को आवंटित किया गया, पर है ना मेरी समस्या को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई आज तक। इसलिए अपनी समस्या को बताने के लिए मैं आई थी, एक दिन 7 घंटे इंतजार के, एक दिन 8 घंटे। 20 तारीख को मैं आई थी तो 7 घंटे इंतजार करने के बाद भी कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद 22 तारीख को मैं और 4 है ना मेरे साथ महिला कर्मचारी आई थी यहाँ पे 8 घंटे इंतजार करने के बाद, शुक्रवार को उन्हें बोल दिया गया सोमवार को मिलने के लिए। तो और इस बीच कई लोग गुलदस्ते और है ना वो भेंट देने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए, ज्ञापन देने, उनका ज्ञापन लिया, जबकि ज्ञापन लेने का काम ADM सिटी मैडम या फिर SGM का है। तो मैं ही कलेक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपकी आपसे मिलने के लिए गुलदस्ता ही लाना पड़ेगा, कोई और जरिया नहीं है मिलने का। और कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे? जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी तब तक। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे बैठे? आज दूसरा दिन है, कल बैठे थे हम।